आज हम खोए की कुछ ऐसी बर्फी बनाएंगे जिसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं और जिसको बनाना भी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ दो तीन इंग्रेडिएंट्स ही लगते हैं और ये शानदार बर्फी बनके तैयार हो जाती है। बर्फी तो बहुत आपने खाई होगी, बट इसको बना के देखिए। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनीता राजदीप रेसिपीज। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने घर में जो मलाई इकट्ठी होती है उससे ही मैंने खोया बना के मिठाई को बनाया। इसको मैं डेली मलाई निकाल के फ्रीजर में रख देती थी। जब ये 15-20 दिन की हो गई मलाई, फिर मैंने इससे खोया बनाया। खोया बनाने के लिए तो जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, उस मलाई को मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया और उसको चलाते रहे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि खोया अलग हो गया और घी अलग हो गया। तो घी को आप नॉर्मल किसी तरह से भी यूज़ कर लीजिए और खोए की मैं मिठाई बना देती हूँ। और इस बार मैंने जो मिठाई बनाई है ये मेरे घर में सबकी बहुत फेवरेट है। इसमें मेनली दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक चीनी होती है, दूसरा मावा होता है। साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप जो डालना चाहें वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो चीज़ों में भी बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाती है। अब ये मेरा जो खोया निकला था इसको मैंने खूब अच्छी तरीके से भून लिया। जब ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया तो मैंने इसको निकाल के अलग कर दिया। अब मैंने इसमें करीब 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डाला। आप डालना चाहिए डालिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसमें मैंने इलायची का पाउडर भी डाला है, जिसमें मेरी 4-5 छोटी इलायची थी और एक बड़ी इलायची थी, उसको मैंने पीस के इसमें डाला। उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है और 1 कप चीनी ली है और उसको डाल के अच्छी तरीके से बॉयल करेंगे जब तक कि उसकी थिक चाशनी नहीं बन जाती। अब आप देखेंगे ये बहुत ही गाढ़ी और थिक चाशनी बन के तैयार हो गई है। जब ये इस स्टेज पे आ जाएगी तब हमने जो खोया या मावे को भून के रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे। इस खोए को या मावे को डाल के भी आपको इसको अच्छी तरह चलाना होगा। जब वो खूब अच्छी तरीके से चल जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तब इसके अंदर इसका टेस्ट आएगा। कम से कम आप इसको 4-5 मिनट तक ज़रूर चलाइए। आप प्लेट में थोड़ा सा घी लगा लीजिए जिससे कि वो चिपके नहीं। वैसे तो ये वैसे भी नहीं चिपकती क्योंकि इसमें काफ़ी घी होता है। फिर आप उसको प्लेट में पलट के और उसको अच्छी तरीके से इवन कर दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसके पीसेस काट लीजिए। इसमें करीब मेरा 250 ग्राम खोया था और 100 ग्राम चीनी थी। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। चाशनी बनाने के लिए हमेशा पानी की क्वांटिटी कम रखते हैं, तभी वो जल्दी पक के तैयार हो जाती है और गाढ़ी भी हो जाती है। अब जो ये बर्फी काट के रखी है आपने, इसको थोड़ी देर बाद ही निकालिएगा जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तभी इससे ये अच्छी तरह निकलेगी। अब ये मेरी बर्फी बनके तैयार हो गई है, लेकिन इसके पीसेस बहुत मोटे या थिक नहीं हैं क्योंकि मैंने बहुत थोड़े खोए का यूज़ किया था। जितना ज़्यादा खोया होगा उतना ही ज़्यादा ये थिक और मोटी बर्फी बनके तैयार होगी। जब आप इसको जमाएं, अगर आपको थिक बर्फी करनी है तो थोड़े से एरिए में ही इसको स्प्रेड करिएगा, तब ये थिक बर्फी बनके तैयार होगी। अब मैंने ऊपर से थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाला है जिससे इसका लुक भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाएगा। एट द सेम टाइम कोकोनट पाउडर बहुत ही हेल्दी होता है। आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब ये हमारी फेवरेट बर्फी बनके तैयार हो गई है। मैं जब भी खोया निकालती हूँ ज़्यादातर टाइम ये वाली बर्फी ही बनाती हूँ क्योंकि ये सभी लोग को बहुत पसंद है। आप भी बना के देखिए, आपको भी ज़रूर अच्छी लगेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में एक छोटी बेल है उसको प्रेस करना मत भूलिए, तभी आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। थैंक यू। चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।